10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से, जहां से फ्लाइट लेकर हम लोग आ जाते हैं द हार्ट ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। तो अभी एयरपोर्ट से निकलते ही क्या ठंड फील हुई है, एकदम सबके जैकेट आ गए बाहर। और वो है हमारी ट्रैवलर, ये रहेगी अब सारे दिन हमारे साथ। तो श्रीनगर पहुंचते करते हमें करीब 9 बज गए थे, तो एयरपोर्ट से डायरेक्ट हम अपने होटल आ जाते हैं। तो यार ये है कुछ हमारा रूम, चेक इन कर लिया है, लेट हो गया था, आज ज़्यादा घूमे नहीं है। यहाँ से व्यू सुबह दिखाता हूँ, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं, बढ़िया है बाकी। तो कश्मीर घूमने की जब बात आती है तो दिमाग में गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगह आती है। पर आज हम जाते हैं एक थोड़ी सी ऑफबीट जगह, दूधपत्री। तो दूधपत्री से थोड़ा पहले गाड़ी लगाकर जब हम इससे आगे जाते हैं तो नज़ारे कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो अभी हमें दूधपत्री में और घोड़ों से ऊपर जा रहे हैं, और रिसेंटली मतलब अभी सुबह ही यहाँ फ्रेश स्नोफॉल हुई है, पूरा वाइट हो गया है यहाँ पे। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है मक्के की रोटी, साग जो है। अच्छा, ये साग कश्मीर का कुछ है? कश्मीर का साग है। ओके। और अचार भी है और प्याज कचेची भी है। अच्छा, बस अभी दूध पत्री से नीचे उतरे हैं तो भैया बढ़िया गरम गरम मक्के की रोटी और कश्मीर साग खिला रहे हैं। ये जगह गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम के अतिरिक्त एक दूध पत्री करके जगह है, जो कि काफी सुंदर जगह है। काफी फ्रेश स्नो है, बिल्कुल सॉफ्ट स्नो है। ये हमारी मक्का रोटी और कश्मीरी साग रेडी है, हम उसको टेस्ट करेंगे। तो आज दूधपत्री से हम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाते हैं, तो शाम तक वापस श्रीनगर आकर यहाँ का थोड़ा लोकल मार्केट घूम लेते हैं। ये कश्मीर का हिस्टोरिक लाल चौक, यहाँ का फेमस क्लॉक टावर, यहाँ पूरा मेन मार्केट है आसपास। भी तो जल्दी बंद हो रहा है मार्केट 6 बजे। आज हम जा रहे हैं कश्मीर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस विंटर डेस्टिनेशन गुलमर्ग, और इस समय गुलमर्ग में दिन का टेम्परेचर हो रहा है -8, मतलब बहुत ठंड।
हमने लिया है गंडोला का फेस टू, तो वो हमें उस पहाड़ के टॉप तक लेके जाएगा, मतलब गुलमर्ग का एकदम टॉप, और उसकी हाइट है 14,000 फीट। ओवरकोट के नीचे जैकेट, के नीचे जैकेट, के नीचे स्वेटर, ठंड इतनी है। और ये जो माउंटेन है ना, इसको बोलते हैं सनशाइन पीक, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मशहूर रहता है हिली स्कीइंग के लिए। अभी मैं आपको हेलीपैड जब दिखाऊंगा ना, वहां पे वो फॉरेन स्कीयर्स जो रहते हैं ना सर, हाईली प्रोफेशनल जो होते हैं अल्पाइन स्कीयर्स, वो हेलीकॉप्टर से पिक होते हैं, वो ड्रॉप होते हैं वो सनशाइन पीक पे सर। और इस आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम आ जाते हैं इंडिया की शायद सबसे खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन। तो हम आ गए गुलमर्ग के बेस पे, और यहाँ से ये स्लेड से इनसे जाएंगे हम गोंडोला के बेस तक, और वहां से जाएंगे फेज वन फिर फेज टू टॉप पे। बीस 15 मिनट की स्लेज राइड के बाद अब जा रहे हैं गंडोला पे, वहां से मिलता है। 7-8 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अब गंडोला के लिए थी बहुत लंबी लाइन, तो हमने भी वही किया जो बाकी सब कर रहे थे, इंतजार। जिसको ब्रीदिंग अस्थमा है, इसको टिश्यू, वो फेस टू पर ना जाए, फेस वन पे ही वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है, पर आपको एंजॉय बहुत होगा। अब गंडोला जितना तेज चलता है वो उस पर बैठ के पता नहीं लगता, और इन नजारों को देखते देखते कब हम फेज वन पे पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब फेज वन पे करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने सोचा कि पहले फेज टू पे चले जाए, क्योंकि फिलहाल वहां मौसम अच्छा था। अब कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ क्यों कहते हैं, यह आपको तब समझ आता है जब आपको कुछ ऐसे नजारे दिखते हैं। और ये नजारे बस कुछ ही देर में कुछ ऐसे हो जाते हैं। तो अभी हम आ गए गुलमर्ग फेस टू टॉप पे, और अब उस नजारे को हम ज्यादा देर तो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ठंड और हवा बहुत ज्यादा थी, और हम वापस फेज वन के लिए निकल जाते हैं। हाँ भैया, तो क्या प्लान है आज का? आज का प्लान है श्रीनगर से सोनमर्ग जाना है, वहाँ पे बहुत सारे मतलब जगह दिखानी है। एक तो मतलब ग्लेशियर है, दूसरी है जीरो पॉइंट है, वहाँ तो अलग व्यू है देखने के लिए आपको मिलेगा। पूरे इंडिया के पूरे स्टेटों को जितने भी लोग रह रहे हैं इंडिया में वेलकम करते हैं कश्मीर आने के लिए। बस इतनी, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, कश्मीर के लोग भी खूबसूरत है, बहुत प्यार करते हैं इंडिया के लोगों से, बस इतना ही कहना है मेरा। तो आज हमें जाना था श्रीनगर से सोनमर्ग, तो सुबह जल्दी नाश्ता करके और कुछ लोकल दुकानों पर रुकते हुए हम निकलते हैं सोनमर्ग के लिए।
अब सोनमर्ग का जो असली मजा है वो गुलमर्ग की तरह उसकी डेस्टिनेशन का नहीं बल्कि उसके रास्तों का है। पीले सरसों के खेतों से लगाकर दूर दराज में बने हुए वो लकड़ी के घर और वो बर्फ के पहाड़ जो कभी हमसे बहुत दूर दिख रहे थे, बस कुछ ही देर चलने के बाद वो हमारे कुछ इतने करीब आ गए। यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर बचा है पर हर 5 मिनट में कुछ ऐसा स्टॉप आ जाता है कि देख के लगता है कि रुको फोटो वगैरह खींचो क्योंकि है इतना सुंदर। अब इससे आगे का जो रास्ता था वो थोड़ा खतरनाक था क्योंकि इतनी बर्फ और अगर रोड ब्लॉक हुए तो पता नहीं कब तक यहीं रह जाए। लेकिन जितना वो खतरनाक था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत भी। अभी अभी पता चला कि सोनमर्ग में भी एक ताजमहल है, ये देखो वाओ। तो नेक्स्ट चीज जो हम सोनमर्ग में कर रहे हैं वो है माउंटेन बाइक। अब कल गुलमर्ग में स्लेज राइड करने के बाद इसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई थी एंड इट वाज ऑल वर्थ। अब सोनमर्ग के इन रास्तों की भी अलग ही बात थी क्योंकि ये इतने ड्रामेटिक थे। जहां कहीं पे तो ये पूरी तरह बर्फ से ढके हुए लेकिन कहीं पर एकदम ऑपोजिट। और इन्हीं रास्तों से होते हुए हम वापस श्रीनगर आ जाते हैं। यार अब रात को आइसक्रीम की तलाश में निकले, यहाँ कोई आइसक्रीम खाता नहीं ठंड में पर हमें तो चाहिए थी। आधा मार्केट है बंद रहता है, बचे हुए आधों के बाद आइसक्रीम है नहीं। तो आधे घंटे तक श्रीनगर की गलियों में घूमने के बाद फाइनली आइसक्रीम तो नहीं मिली तो अमूल दूध से काम चला रहे। तो आज हमने हमारे श्रीनगर के होटल से चेकआउट कर लिया है क्योंकि आज हम जा रहे हैं पहलगाम और एक रात का स्टे हमारा वहाँ है। लेकिन पहलगाम के बाद श्रीनगर वापस आएंगे एक लास्ट चीज़ के लिए।
पहलगाम की होटल है ना, बड़ी अलग सी, बड़ी सुंदर सी है। जैसे ये कॉमन एरिया है और यहाँ से पूरी वैली का व्यू है, और आप रूम्स देखो एकदम छोटे कंफर्टेबल से कॉटेज स्टाइल रूम बना रखे हैं। हमारी गाड़ी छोड़ के लोकल टैक्सी से घूमने जा रहे हैं। तो पहलगाम में जो मेन अट्रैक्शंस हैं उन्हें कहते हैं ए, बी और सी। ए जरू वैली, बी है बेताब वैली और सी है चंदनवाड़ी। तो लंच के बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं बेताब वैली। चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। तो यार चंदनवाड़ी के तो पूरे रास्ते पे जाम लगा हुआ है, जा ही नहीं सकते। अब चंदनवाड़ी वो जगह है जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम इससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो बस वहीं से वापस मुड़कर हम लोग जाते हैं अरू वैली। और अरू वैली तक जाने के ये नजारे ऐसे थे जैसे किसी ने कोई पेंटिंग बना दी हो। तो यार ये है अरू वैली और नेचर का बेस्ट आर्टवर्क यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत शांति है, बहुत पीसफुल है। तो टूरिस्ट कम है क्योंकि बहुत प्यारी जगह। दिन भर पहलगाम कवर करने के बाद वापस आ गए होटल में। अब उस रात ठंड भी बहुत थी और बार बार लाइट भी जा रही थी, तो हम सब एक साथ कॉमन एरिया में ही बैठे थे। पहलगाम से निकल रहे हैं और जितनी ठंड कल रात को यहाँ लगी है ना, कहीं नहीं लगी पूरे ट्रिप में, क्योंकि था मौसम कल बहुत ठंडा था। अब वापस जा रहे हैं श्रीनगर। शालीमार गार्डन हम जब पहले आए थे यहाँ, इसमें ना पूरे सारे फाउंटेन चालू रहते थे, सारे फाउंटेन है ना, बीच में स्टेप्स बनी हुई थी, इधर से उधर क्रॉस कर सकते थे। वाटर बॉडी में 3 स्टेप के झरने थे, एक के नीचे एक गिरता था, उस पर फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती थी। और अभी मेंटेनेंस चल रहा था, सब बंद है। इसमें पूरा पानी बहता था, वहाँ से स्टार्ट होकर एंड तक जाता था, एक जैसे वाटर बॉडी में सारे फाउंटेन चालू थे। और फिर हम जाते हैं शंकराचार्य मंदिर, करीब 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के।
अभी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करने के बाद अब 250 सीढ़ियाँ और चढ़ना है मंदिर के लिए। और वहाँ से श्रीनगर के कमाल के एरियल व्यूज दिख रहे थे। और वहां से नीचे उतरकर हम फाइनली आ जाते हैं डल लेक। ये जो शिकार है ये हम वहां तक लेके जाएंगे उन हाउस बोट्स में वहां से, और ये पहले पूरी लेक घुमाएंगे, उसके बाद हम हाउस बोट जाएंगे और ओवरनाइट स्टे वहीं है, कल सुबह वहाँ से निकलेंगे। डल लेक पर अपने आप में एक शहर बसा हुआ है, जहां सड़कों की जगह पानी, गाड़ियों की जगह शिकारे और घरों की जगह हाउस बोट्स हैं। और यहां का मार्केट भी पानी पर ही है, फिर चाहे वो शिकारों में एंटीक्स या फूल बेचने वाले हो या फिर यहां की दुकानें, जो भी है सब इस लेक के ऊपर। ये है डल लेक और ये है हमारी हाउस बोट। अभी अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसी है। तो लगता था सिर्फ किनारे किनारे पे होती होगी हाउस बोट्स, ये तो बहुत अंदर है यार। मतलब एक पूरा पैसेज बना हुआ है, गली बनी हुई है, उसके अंदर जाके ये पूरी लॉबी है, कॉमन एरिया है। ये जो आपको दिख रहा है ये सेंट्रल हीटिंग के लिए, इससे पूरी हाउस बोट पर हीटिंग रहेगी। और ये कुछ पैसे जो है, यहाँ रूम्स बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पांच रूम्स इस फ्लोर पे, 5 ऊपर है। यहाँ पे 1 रूम 2 रूम, ये थर्ड, और ये तो भाई पूरा कॉमन रूम है, मतलब हॉल जैसा। 1 बेड 2 बेड 3 बेड अटैच्ड है। जो हाउस बोट है ना, मेरी उम्मीद से कुछ ज़्यादा अच्छी है, मुझे पता नहीं था इतनी लग्जरी होती है अंदर से। यार रिमोट नहीं मिल रहा था तो भैया ने टीवी चेंज कर दी। ऐसे दिख रहा है वो सामने गुलमर्ग है, बहुत तगड़ी स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे। तो भैया बोल रहे हैं कि अगर ज्यादा तेज हवा चली तो यहाँ भी आ जाए। आज इस ट्रिप का लास्ट है क्योंकि कल सुबह हमारी फ़्लाइट है जम्मू से, तो आज दिन भर ट्रैवलिंग ही है क्योंकि श्रीनगर से जम्मू का रास्ता ऑलमोस्ट 7 घंटे का है। तो अभी निकलेंगे, शाम तक पहुँचेंगे। ओके, thank you.
अब श्रीनगर से थोड़ी दूरी पर इन टनल्स को क्रॉस करते ही लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है। तो ये पीरागढ़ के जगह यहाँ हम रुके हैं, 150 किलोमीटर से हमने कवर कर लिए। और यहाँ के जो राजमा चावल है वो बहुत फेमस है, मतलब कोई भी आता है यहीं रुकता राजमा चावल के लिए। अब वैसे तो हम डायरेक्ट जम्मू जा सकते थे, लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम था तो एक लॉन्गर रूट लेके हम जाते हैं पटनी टॉप होते हुए। और पटनी टॉप का सुकून भी अलग ही था यार। तो रात होते होते हम आ जाते हैं जम्मू, जहां पर ये ट्रिप और कश्मीर की कहानी होती है एंड। तो मिलते हैं फिर अगली कहानी में।